अमृतसर कोर्ट में पेशी पर आया कुख्यात अपराधी रजत मल्होत्रा और अफगान मस्ती पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार हो गया। मस्ती की फरारी की खबर पाते ही पुलिस ने कोर्ट कम्प्लेक्स में सभी गेट सील कर दिए और करीब 2 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया, पर तब तक मस्ती फरार हो चुका था। इस संबंध में पुलिस ने मस्ती के अलावा पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अमृतसर से ललित शर्मा। ये एक रजत मल्होत्रा और करण मस्ती नाम का अपराधी है जो जेल से यहाँ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। वो बख्शीखाना में बंद करने से पहले ही किसी तरीके से पुलिस को चकमा दे के या वहाँ से खिसकने में कामयाब हो गया। उसके विषय पे हमने केस रजिस्टर कर लिया और तफ्तीश की जा रही है। सर, जिस तरह से लापरवाही मानी जा सकती है पुलिस मुलाजिम की, जो साथ लगा हुआ था उसके, इसीलिए हमने केस रजिस्टर किया और तफ्तीश करेंगे। जिसका कसूर होगा उसको प्रॉपर सजा बनती जाती है। जो उसका संबंध किसी और भी गिरोह के साथ थे ऐसा कहा जा रहा है, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सामने आएगा उसी हिसाब से करेंगे। सर, ये दूसरा मामला है जो यहाँ से कचहरी से जो व्यक्ति भागा है, जो अपराधी भागा है, क्या समझते हैं सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए और ज़्यादा पुख्ता की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा? हम इस विषय पर रिव्यू कर रहे हैं, अगर ज़रूरत है। एक बख्शीखाना, परमानेंट बख्शीखाना कोई नहीं है, फिर भी हम सचिन साहब से मीटिंग करके इस विषय का भी कोई सॉलिड हाल निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।